पंचर वाले जी साहब, दो कैदी जेल से जेलर का खून करके भाग आए हैं, तूने उन्हें देखा है क्या? साहब मेरा किसी खूनी दरिंदे से क्या लेना देना, मैं तो यहाँ पर अपना काम कर रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं देखा है। मेरा मतलब है अगर तुझे किसी भी आदमी पर शक हो तो ये रहा मेरा कॉन्टेक्ट नंबर और इस पर कॉल कर देना, ये पकड़। ठीक है साहब, मुझे जिस किसी पर भी शक होगा मैं आपको जरूर कॉल करूँगा। और हाँ तू सतर्क रहना, ये कैदी ना बहुत खतरनाक हैं। ठीक है साहब। पूरा दिन काम में ही लगे रहते हो, खाना तो टाइम से खा लिया करो। लो मैं तुम्हारे लिए खाना ले आई। तुम्हें खाना लेकर यहाँ पर आने की क्या जरूरत थी, मैं घर पर ही आकर खा लेता ना। पूरा टाइम तो आप काम में लगे रहते हो, फिर घर पर खाना खाने कब आते? सालिनी तुम मेरी टेंशन मत लिया करो, जितना टाइम तुमने यहाँ पर खाना लाने में लगाया है ना, अगर उतना टाइम तुम अपनी पढ़ाई में लगाती तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन आप इतनी मेहनत मेरे लिए ही तो कर रहे हो, तो मैं आपकी चिंता क्यों ना करूं? देखो ये तो मेरा काम है, लेकिन आगे से तुम ना खाना लेकर यहाँ पर मत आना। ठीक है, पर आप अभी तो खाना खा लो। तुम अभी इस खाने को वहाँ पर रख दो, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगा, तुम जाकर के अपनी पढ़ाई करो। ठीक है फिर मैं घर जा रही हूँ। ठीक है जाओ, लेकिन संभाल कर जाना। ठीक है। अबे वो पंचर वाले, जल्दी से बाहर निकल कर आ, हमारी गाड़ी का पंचर लगा दे। साहब अभी मैं खाना खा रहा हूँ, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, बाद में आपकी गाड़ी का पंचर लगा दूंगा। अबे ओए तेरी समझ में नहीं आता है, खाना बाद में खाना, पहले हमारी गाड़ी का पंचर लगा। अरे साहब ऐसी भी क्या जल्दी है आपके लिए, 5 मिनट रुक जाइए ना, और वैसे भी सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया है। देख हम यहाँ पर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, अगर हम यहाँ पर रुके तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जल्दी से पंचर लगा दे, हमें अभी निकलना होगा। लेकिन साहब मैंने कह तो दिया आपसे। अबे ओए ये देख रहा है, चुपचाप पंचर लगा। क्यों क्या हुआ? हम तुझे इतने प्यार से बोल रहे थे कि हमारी गाड़ी का पंचर लगा दे, लेकिन तू सुन ही नहीं रहा है, अब लगाएगा पंचर, लगा फटाफट आकर। ठीक है साहब गोली मत चलाना, मैं अभी हाथ धोकर के आता हूँ। मुझे लगता है ये ना वही लोग हैं जिनको पुलिस ढूंढ रही थी, और देखने में भी बहुत खतरनाक लग रहे हैं। ऐसा करता हूँ उसी नंबर पे कॉल करता हूँ जो पुलिस वाले मुझे देख रहे थे। हेलो सर, मैं पंचर वाला बोल रहा हूँ, जो दो कैदियों को आप ढूंढ रहे थे ना वो अभी मेरी दुकान पर बैठे हुए हैं, आप जल्दी से आ जाइए। ठीक है सर, मैं उनको थोड़ी देर बातों में लगाता हूँ, पर आप जल्दी आना। हाँ मुझे उनकी बाइक में भी पंचर भी लगाना है, तो थोड़ा सा टाइम तो लग ही जाएगा उनके लिए। ठीक है सर। क्यों रे इतना टाइम कहाँ लगा दिया तूने? साहब वो नल ना पानी छोड़ जाता है, इसलिए टाइम लग गया। चल ठीक है, फटाफट गाड़ी ठीक कर। ठीक है साहब, मैं आपकी बाइक को इधर ठंड में खड़ा कर लेता हूँ। अरे साहब आपकी बाइक के टायर में तो कट लगा हुआ है, मुझे लगता है इस टायर को ना बदलना पड़ेगा, और अभी मेरे पास नया टायर है नहीं, तो आप ऐसा कीजिए किसी दूसरी दुकान से जाकर ना टायर ले आइए। ओए बेवजह की बात मत कर हमसे, वरना अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। साहब अब मैं इसमें कर भी क्या सकता हूँ, ये टायर तो आपको लाना ही होगा। लगता है गोली बेकारी करनी पड़ेगी तुझ पर, ये हमारी बाइक में पहला पंचर है, इतनी जल्दी टायर खराब नहीं हो सकता। चल फिर अब मरने के लिए तैयार हो जा। नहीं नहीं साहब ऐसा मत करना, मैं अभी कोशिश करता हूँ। हमें यहाँ पर एक एक मिनट भारी हो रहा है, और तू देर पर देर की जा रहा है। ए, भागने की कोशिश मत करना, और ये अपनी पिस्टल ना नीचे डाल दे, और अगर तूने होशियारी करने की कोशिश की
तो मैं तुझे शूट कर दूंगा। तुम्हारी तो कई दिनों से तलाश थी हमें भाई, जरूर इसमें इस पंचर वाले की चाल होगी। इनकी जेल की दीवारें हमें ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकते, हम बहुत जल्द वापस आएंगे, उसके बाद इस पंचर वाले को भी देख लेंगे। तुम हमारे सामने इसको धमकी दे रहे हो, तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे। और सुन, इसे धमकी मत समझना, जिस दिन हम जेल से बाहर आएंगे ना, उस दिन तुझे ऊपर पहुंचा देंगे। ए, चलो तुम लोग। शालिनी, तुम्हें यहाँ पर बैठे हुए काफी टाइम हो गया है, अब तुम घर चली जाओ और जाकर के अपनी पढ़ाई करना। आपको तो हमेशा पढ़ाई की लगी रहती है, क्या मैं आपके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर सकती? देखो अभी तुम घर चली जाओ, शाम को ना मैं घर जल्दी आ जाऊंगा, क्योंकि आज वैसे भी तुम्हारा बर्थडे है। अच्छा बाबा ठीक है, मैं घर चली जाती हूँ। अरे मैडम रुक जाइए, अभी इतनी जल्दी क्या है घर जाने की। अरे तुम लोग फिर भाग आए जेल से? हम जेल से इसलिए भाग कर आए ताकि हम तुझसे अपना बदला ले सकें। रोहित कौन है ये लोग और इनसे क्या दुश्मनी है तुम्हारी? देखो शालिनी अभी तुम घर चली जाओ, वरना इन लोगों से तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। रोहित मैं तुम्हें मुसीबत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, और ये तुमने सोच भी कैसे लिया? अगर तुम यहाँ से नहीं गई, मैंने तुम्हें जितना भी पढ़ाया है उस सब पर पानी फिर जाएगा। नहीं रोहित मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब ना हम तुम दोनों को एक साथ ही ऊपर पहुँचा देते हैं, फिर इसको भी विधवा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शालिनी तुम जाओ यहाँ से, भाग जाओ, तुम्हें मेरी कसम है। भाई अब देख क्या रहे हो, मार दो इन दोनों को। शालिनी जाओ तुम, भाग जाओ यहाँ से। भाई वो तो भाग गई। भाग गई तो भाग जाने दो, उसको तो हम बाद में देख लेंगे, वैसे भी वो एक औरत है, वो हमारा क्या करेगी। चलो भाई अब यहाँ से जल्दी निकलते हैं। चलो भाई पूरे शहर में हमारे नाम के पोस्टर चिपके हुए हैं। इसका मतलब अब हमें ये शहर छोड़ना पड़ेगा और फिर हम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाते हैं। लेकिन भाई पुलिस तो हमें कुत्तों की तरह ढूंढ रही है। तो हम भी लोमड़ी की तरह चालाक हैं और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं कि हमें इतनी आसानी से पकड़ सके। भाई हमारा यहाँ ज्यादा देर तक रुकना ठीक नहीं है, अब हम यहाँ से निकल लेते हैं। ठीक कहा तुमने, अब हमें यहाँ से निकलने में ही फायदा है। चलो मैम आपने जितने भी क्रिमिनल्स के फोटोज मांगे थे वो सब यही हैं। ऑफिसर मुझे उन कैदियों की फोटोज चाहिए जो जेल तोड़कर भागे हैं। मैम यही फोटोज हैं जो सभी जेल तोड़कर भागे हैं। ठीक है फोटोज दिखाओ मुझे और इन सब की डिटेल्स बताओ। मैम यह है जग्गा का फोटो जो कुछ दिन पहले ही जेल से भागा था, और मैडम यह है नरसिम्हा रेड्डी जो 2 महीने पहले एक जेलर का खून करके भाग गया था। और मैडम ये देखिए। एक मिनट, ये दोनों कौन है? मैम ये दोनों कुछ दिन पहले जेल से भागे थे और 2 जेलर का इन्होंने खून भी कर दिया। ऑफिसर ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे, मुझे इन दोनों की तलाश है। मैम इन दोनों का मिलना तो मुश्किल है क्योंकि पुलिस इन्हें काफी दिनों से ढूंढ रही है। ऑफिसर एक काम करो, पूरे शहर में इनके पोस्टर चिपकवा दो और न्यूज में इनकी खबर निकलवा दो कि ये दोनों मर चुके हैं, फिर ये खुद ब खुद बाहर आ जाएंगे। जी मैम। भाई ये न्यूज वाले हमारे बारे में क्या दिखा रहे हैं कि हम लोग मर चुके हैं?
हम बहुत दिनों से गायब है ना, इसलिए पुलिस ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए हमें मरा हुआ घोषित कर दिया। और वो नहीं जानते कि इसमें हमारा ही फायदा है। कैसा फायदा भाई, मैं कुछ समझा नहीं। अब हम खुलेआम इस शहर में कहीं भी घूम सकते हैं और हमें कोई टच भी नहीं करेगा, क्योंकि कानून की निगाह में हम मर चुके हैं। तो फिर भाई हम छुप कर क्यों बैठे हैं? अब तो हम आ जाते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं। हाँ बिल्कुल घूम सकते हैं, और वैसे भी हमें बहुत टाइम हो गया बाहर की हवा खाने को नहीं मिली है, तो आज बाहर का मजा लेते हैं। चलो हम चलते हैं। चलो ए, रुक जाओ, तुम्हें पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, हिलने की कोशिश मत करना। लेकिन सर आप हमें पकड़ना क्यों चाहते हो? तुम दोनों कानून से भागे हुए मुजरिम हो। लेकिन सर आपको जिन लोगों की तलाश थी वो लोग तो मर चुके हैं। वो सब तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अरे तू तो उस पंचर वाले की पत्नी है ना, लेकिन यहाँ पर क्या करने आई है? हाँ शायद इस रास्ते से होकर जा रही होगी कहीं। तमीज में रहकर बात करो, ये जिले की नई कलेक्टर हैं। क्या कहा, ये कलेक्टर है? लेकिन इसका पति तो पंचर लगाने का काम करता था, तो फिर ये कलेक्टर कैसे बन गई? पंचर लगाते थे तो क्या हुआ, आज मैं जो कुछ भी हूँ ना सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ, जिनको तुमने बहुत बेरहमी से मारा था। और आज मैं तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आई हूँ, आज तुम बचकर कहीं नहीं जा सकते। लेकिन मैडम आप हमें अरेस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि कानून की निगाह में हम मर चुके हैं। बेटा वो फर्जी कानून ना मैंने ही बनाया था, ताकि तुम दोनों बिल से बाहर निकल सको और मैं तुम्हें अरेस्ट कर सकूं। और मेरा प्लान सक्सेसफुल हुआ, आज तुम मेरी गिरफ्त में हो। क्या कहा, वो सब फर्जी था? मैडम हमें छोड़ दो। बड़ी मुश्किलों से हाथ लगे हो तुम दोनों, अगर तुम्हें मैंने छोड़ दिया तो फिर से तुम किसी निर्दोष जेलर की हत्या कर दोगे। मैडम हम सुधर चुके हैं, अब से ऐसा काम नहीं करेंगे। तुम दोनों ने ना कई निर्दोष लोगों की हत्या की है, तुम दोनों को फांसी होगी, फांसी। इंस्पेक्टर लेके चलो उन दोनों को। मैडम माफ कर दीजिए हमें।